गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो दोस्तों। तो हम लोग आज देखने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो सबसे पहले आपने हमें प्रीवियस लेक्चर के अंदर थोड़ा बहुत हाई दे दिया कि इलेक्ट्रॉन को एमिट करना है तो तीन टाइप से एमिशन होता था। एक था थर्मल, दूसरा था फील्ड और तीसरा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो शॉर्ट में फटाफट डेफिनेशन याद करते हैं। रफली ऐसा बोल दो, मैंने कोई एक एलिमेंट ले लिया, उसको मैंने क्लीन कर दिया और अगर मैं उस पे कोई फ्रीक्वेंसी डाल रहा हूं, कोई रेज दे रहा हूं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ये सर डेफिनेशन का बैकग्राउंड हो गया, डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ क्लीन मेटल सरफेस इज रिटेंड विद द रेडिएशन ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम से ज्यादा होनी चाहिए तो ही वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। रिपीट दोस्तों, तो ही वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। इस फिनोमिनन को बोलेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोस्तों जैसे भी कुछ नया समझ में आता है तो उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना योगदान दिया होता है। तो सबसे पहली बात, इसके बारे में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करना साइंटिस्ट है हमारे अर्ल्स। कौन से साइंटिस्ट है दोस्तों? अर्ल्स। अर्ल्स ने क्या किया कि कोई एक मेटल को ले लिया और उसको सिंपली कलेक्ट कर लिया और आर्क लैंप से उस पर यूवी रेज डालना शुरू किया। किससे? आर्क लैंप से। क्या किया? यूवी रेज आपने चालू किया। तो जैसे यूवी रेज चालू किया तो उसको समझ में आया कि इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट हो रहे हैं। रिपीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट हो रहे हैं जो सामने जाके स्पार्क बना रहे हैं। यानी यहां पे कोई प्लेट रख दिए तो वहां पे थोड़ा 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 स्पार्क बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर आप उसको ध्यान से देखो कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पे बाउंडिंग में हो गए, यहां सपोज इलेक्ट्रॉन्स है, उसको ज्यादा एनर्जी मिली, उसको ज्यादा एनर्जी मिली तो वो क्या करेगा, अपने सरफेस को छोड़ के चला जाएगा। रिपीट, जो बाउंड्री वाले इलेक्ट्रॉन है उनको ज्यादा एनर्जी मिलेगा तो वो अपने सरफेस वाले एटम को छोड़ के उसका जो पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा उसको तोड़ के वो चले जाएंगे। यस और नो? इसका मतलब ये सरफेस में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट होना शुरू। ये सिंपल सी बात बोल देती हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने। उनको ये पता था कि उसको कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए, कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए अपने एलिमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको छोड़ने के लिए। कितनी एनर्जी चाहिए, क्यों, ये मटेरियल कौन सा होना चाहिए, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्या इंटेंसिटी होनी चाहिए, इसके लिए हमारे दूसरे साइंटिस्ट आ गए लेनार्ड। लेनार्ड ने क्या देखा कि यहां पे जो एमिट हो रहा है वो रैंडमली जा रहा है, तो एक काम करो, क्वार्ट्ज विंडो बना लो। देख सकते हो कि मैंने एक बड़ी सी ट्यूब ले ली जिसको मैं बोलूंगा ग्लास ट्यूब। वो ग्लास ट्यूब को मैंने यहां से कट कर दिया, एक विंडो बनाया जिसे बोलूंगा क्वार्ट्ज विंडो। क्या बोलेंगे दोस्तों? क्वार्ट्ज विंडो। यहां पे हमने अल्ट्रा वायलेट वेव्स को ये सरफेस पे डालना शुरू किया तो उससे हुआ क्या, जैसे ये सरफेस पे आ गया तो यहां पे देखो मैंने सी लिखा है, यहां पे मैंने ए लिखा है, इसका मतलब मैंने दो इलेक्ट्रोड्स ले ले, दो सरफेस ले ले, दोनों सरफेस फोटो सेंसिटिव सरफेस है। इसका मतलब क्या होगा, यहां पे अगर लाइट आ रही है तो इस पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको एनर्जी मिलेगी। याद करो हर्ट्ज ने बोल दिया था, यस सर, अगर ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहा है तो कंपलसरी ये पॉजिटिव बनेगा। इसको मैं पॉजिटिव करूंगा तो ही सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में जाके इसको मिलेंगे, इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे। कब अट्रैक्ट होंगे? जब ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होना चालू हो गया, यानी मैंने ए को पॉजिटिव रख दिया और सी को नेगेटिव इनिशियल रख दिया। अब अगर मैं यहां पे कुछ रख रहा हूं, स्टॉप कर रहा हूं और अल्ट्रा वायलेट को अंदर नहीं आने दूंगा तो सर क्या हुआ, आप यूवी रेज को अगर स्टॉप करोगे तो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स कॉल्ड करंट, वो भी स्टॉप हो जाए। बात हो गई कि सर प्रैक्टिस हो गई, अच्छे से समझ में आ गया। अब देखना ये कि सर ये जो लाइट है ना वो लाइट की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी क्या हो सकती है।
क्या कोई भी फ्रीक्वेंसी पे ये एमिट करना स्टार्ट कर देगा, कोई भी इंटेंसिटी पे ये एमिट करना स्टार्ट कर देगा? उसके लिए आया हमारे बोलवास, एक नया साइंटिस्ट हमारे पास आ गए जिसे बोलवास बोलेंगे। उन्होंने क्या किया, जिंक सरफेस को ले लिया। तो पहली बार देखो दोस्तों, यहां पे कोई एलिमेंट का नाम नहीं दिया था, बोलवास ने बोला कि एक जिंक नाम की प्लेट लो, उसको आप नेगेटिव चार्ज हो और उसके साथ कनेक्ट कर दो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप। रिपीट, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप कनेक्ट कर दो। जैसे इसको लिखा, इसका मतलब इसने चार्ज को लॉस्ट किया, यानी इस पे अगर यूवी रेज आया तो ये चार्ज को लॉस्ट करना चालू कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर ये पॉजिटिव होगा, जैसे जैसे इस पे लाइट आती जाएगी उसका पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है। रिपीट, वो तो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, जितने रेज आएंगे वो ज्यादा पॉजिटिव बनेगा, ज्यादा पॉजिटिव बनेगा इतने इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए, जितने इलेक्ट्रॉन मेरे में से गए मैं तो धीरे धीरे पॉजिटिव बनता जाऊंगा। पर देखा उन्होंने ये कि इलेक्ट्रॉन को बाहर रखने के लिए उसको कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। दोस्तों उसके पास कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। अगर मैं ऐसा बोलूं कि सपोज 150 हर्ट्ज है, अगर मैं 149 हर्ट्ज भी दे रहा हूं तो भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। मैंने 130 हर्ट्ज दिया तो भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, यानी सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो अब आया दोस्तों एक बड़ा सा मेन टॉपिक, इट्स कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ नॉट या वी नॉट से डिफाइन किया जाता है। अ मिनिमम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, यानी मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसे हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या हर एक मटेरियल के लिए सेम रहती है, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सबके लिए? नहीं दोस्तों, इट्स डिपेंड ऑन द मटेरियल। जैसे कि मैं ऐसा बोलूं कि जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, यानी जो प्लस टू वाले है ना, याद आया, प्लस टू वाले है ना, उनको यूवी रेज में शॉर्ट वेव चाहिए, यानी शॉर्ट बैंडविड्थ वाला वेव चाहिए। और जो अल्कली एलिमेंट्स है लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सॉरी सीजियम, रुबिडियम, जो प्लस वन वाले हैं, उनको विजिबल रीजन वाला फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो दोस्तों देखो, मैंने आपके लिए दो तीन थ्योरम और छोटे छोटे एमसीक्यू वाली क्वेश्चन लेके आया हूं। प्लीज 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 इसको अच्छे से नोट डाउन कर दो, हो सके तो दो तीन बार लिख दो। देखने जाओ तो ये ऐसा टॉपिक है जिसमें थ्योरम नहीं आती, पर इसमें से एमसीक्यूज लगातार पूछते हैं, तो प्लीज 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 ये प्रैक्टिकली इंफॉर्मेशन है, तो ध्यान से देख लो।